Hello and welcome to the class once again, students. Today we shall read you poem number 1, Silva. Poem 1, Silva. Silver, you know? Color of silver, चांदी का रंग जैसा होता है. अब आज हम ये कविता पढ़ेंगे, Silver. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. चंद्रमा की रोशनी, चांदनी जिसको आप बोलते हैं, सिल्वर कलर, सारी चीजें जब मून की जो बीम्स हैं वो जब अर्थ की चीजों पे पड़ती हैं, धरती की चीजों पे पड़ती हैं, तो सबको उसी कलर में कर देती हैं, सारी चीजें सिल्वरी लगने लगती हैं. वॉल्टर डिलामेयर जिन्होंने इस कविता को लिखा है, वो उसी ब्यूटी को बता रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी, मून बीम्स, मून लाइट, जब अर्थ पे, चंद्रमा पे, जब धरती पे पड़ती हैं, तो किस तरह से सारी चीजों का रंग जो होता है वो सिल्वर हो जाता है, सब सिल्वर कलर की दिखने लगती हैं. चलिए इसकी ब्यूटी देखते हैं इस पोएम में. स्लोली साइलेंटली नाउ द मून, धीरे धीरे चुपचाप चंद्रमा वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून. चंद्रमा को लेडी की तरह से डिस्क्राइब किया है. चंद्रमा अपने सिल्वर कलर के शून, जूते पहन के धीरे धीरे रात में आ रहा है. नाइट टाइम है, चंद्रमा आसमान पे आ रहा है. उसके जूते का कलर कैसा है? सिल्वर. अब जहां जहां उसके पैर पड़ेंगे, पैर से मतलब है जहां जहां चंद्रमा की बीम पड़ेगी, जहां उसकी रोशनी पड़ेगी, जहां उसकी लाइट पड़ेगी, उस वस्तु का कलर, उस चीज का कलर सिल्वरी हो जाएगा. दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज. इस रास्ते से, उस रास्ते से चंद्रमा झांका, उसने देखा, पेड़ों के पीछे, पहाड़ी के पीछे, बिल्डिंग के ऊपर, खेतों पे, रूफ्स पे, घरों की. तो चंद्रमा रात में अपने सिल्वर कलर के जूते पहन के, चांदी के कलर के जूते पहन के इधर उधर से निकल रहा है, इधर उधर से देख रहा है, और उसकी रोशनी पड़ रही है, मून बीम्स पड़ रही हैं. सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज. जैसे ही पेड़ों पे चंद्रमा की रोशनी पड़ी, पेड़ों का रंग कैसा हो गया? सिल्वर कलर का हो गया. उसके जो फलों के कलर है वो सब चांदनी के रंग में सिल्वर कलर के हो गए. तो सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज, चांदी के रंग के पेड़ और उनपे जो लदे हुए फल है वो सिल्वर कलर के हैं. ये सब चंद्रमा की रोशनी के कारण है. जैसी रोशनी उस पर पड़ी वो कलर सिल्वरी लगने लग गया. वन बाय वन द केसमेंट्स कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच. खिड़कियां, केसमेंट्स, खिड़कियां खोलिए रात के समय. जैसे ही मून बीम आएगी, मून बीम सीधी आपकी खिड़की से आपके घर में पहुंचेगी, प्रवेश करेगी. हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच, ऊपर जो छत है, थैच है, रूफी, वो रूफिंग भी मून बीम्स के कारण सिल्वर कलर की दिख रही है. खिड़की से आने वाली रोशनी, विंडोज से जो बीम्स आ रही हैं, वो भी सिल्वर कलर. छत का रंग भी जो है वो सिल्वर दिख रहा है बिकॉज ऑफ मून बीम्स. Couched in a kennel like a log with paws of silver sleeps the dog. Dog अपने kennel में सोया हुआ है. Couched, lie flat, लेटा हुआ है एकदम सीधा, flat. With paws of silver, उसके जो paws हैं, जो उसके पंजे हैं, वो किस कलर के दिख रहे हैं? सिल्वर कलर के. डॉग के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है. डॉग के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ने के कारण डॉग भी सिल्वरी हो गया. उसके पॉज, उसके पंजे भी सिल्वर कलर के हो गए. फ्रॉम देयर शैडोई कोट द व्हाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीप. शैडोई कोट, कोट यानी जिसपे बर्ड्स को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, तो उस शैडोई, छाया पड़ रही है उस स्थान पर.
और वहां पे सफेद सफेद डव्स कबूतर सोए हुए हैं और उनके पंखों का कलर भी किस तरह का दिख रहा है, सिल्वर, सिल्वर फेदर्ड, उन वो पक्षी भी सिल्वर कलर के नजर आ रहे हैं क्योंकि उन पे भी मून बीम्स पड़ रही हैं, उन पे भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है और उनके पंख भी सिल्वर कलर के दिख रहे हैं। अ हार्वेस्ट माउस गोस स्कैम्परिंग बाय, अनाज के कोठे में, अनाज के गोदाम में फसल जहां रखी जाती है वहां पे हार्वेस्ट माउस होते हैं, चूहे होते हैं, और एक हार्वेस्ट माउस दौड़ा, स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग मीन्स रनिंग, दौड़ा, विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आईज, उसके जो पंजे हैं, क्लॉज है, वो भी सिल्वर कलर के लग रहे हैं क्योंकि उन पे भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, एंड सिल्वर आई, और उसकी आंखें भी सिल्वर लग रही है। एंड मूवलेस फिश इन द वॉटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम, एक तरफ तो आपको बताया कि चूहा तेजी से दौड़ा, हार्वेस्ट माउस, उसके पंजे आपने देखे, उसके क्लॉज, उसके नाखून आपने देखे, उसकी आंखें आपने देखी जो सिल्वरी थी, और एक तरफ मूवलेस फिश, बहुत ही स्लो मोशन में मछलियां चमक रही हैं पानी के अंदर, वाटर, पानी जो है स्ट्रीम का वो भी चमक रहा है, और वहां वो जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम में वो स्ट्रीम का कलर भी सिल्वर हो गया है, चंद्रमा की रोशनी उस पर भी पड़ रही है, और स्ट्रीम के किनारे जो रीड्स, जो पौधे लगे हुए हैं वो भी सिल्वर कलर के हो गए हैं क्योंकि चंद्रमा की रोशनी उन पर भी पड़ रही है। सो दिस वॉज योर पोएम। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज वी शैल सी द पोएम वंस अगेन। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इससे काफी रिलेटेड हैं इस पोएम से, इसलिए एक बार इसको ठीक से देखने की फिर से कोशिश कीजिएगा। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून, शांति से धीरे से चंद्रमा वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। एक प्रश्न आगे आएगा कि आप इसमें से राइमिंग वर्ड अलग कीजिए, तो अभी से हम राइमिंग वर्ड अलग करते हैं पोएम को पढ़ते हुए। पहला राइमिंग वर्ड है मून एंड शून। फर्स्ट राइमिंग वर्ड आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जो हमने राइमिंग वर्ड देखा, राइमिंग यानी जिनका उच्चारण मिलता जुलता है, देखिए मून एंड शून, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए आपके, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स, चाहें तो निशान लगा लीजिए और राइट इट डाउन, मून एंड शून। Slowly, silently, now the moon, बहुत धीरे से, बहुत शांति से चंद्रमा walks the night in her silver shoon, सिल्वर कलर के जूते पहन के रात में आया। The way and that she peers and sees silver fruits upon silver trees, धीरे से आके चंद्रमा ने झांका, उसकी रोशनी पड़ी सिल्वर फ्रूट्स पे, सिल्वर ट्रीज पे, यानी पेड़ों और फलों पे रोशनी पड़ी, वो दोनों का कलर सिल्वरी हो गया। ये अगला राइमिंग वर्ड देखिए, सीज एंड ट्रीज, sees trees. Next, one by one the casements catch her beam beneath the silvery thatch. एक एक करके खिड़कियां अंदर की ओर खुले या बाहर की ओर, उससे मून बीम अंदर आ रही है, और जो ऊपर थैच भी है, जो रूफ भी है, वो रूफ भी किस कलर का हो गया है, सिल्वर कलर का हो गया है। तो तीसरा राइमिंग वर्ड है कैच एंड थैच। नेक्स्ट, काउज डिनर्स कैनल लाइक अ लॉग विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग। काउज डिनर्स कैनल, अपने कैनल, डॉग कैनल में रहता है, आपको मालूम होगा जो उसके लिए घर बनाया जाता है, कैनल कहते हैं उसे, तो उस कैनल में ही इज लाइंग फ्लैट, एकदम सीधा लेटा हुआ है कुत्ता, जैसे उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो डॉग ना होकर के कोई लॉग है, कोई लकड़ी पड़ी हुई है। विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग, उसके जो पंजे हैं वो सिल्वर कलर के दिख रहे हैं, उस पर मून बीम पड़ रही है। तो अगला जो राइमिंग वर्ड है दैट इज लॉग एंड डॉग। लॉग माने लकड़ी। फ्रॉम देयर शैडोई कोट द व्हाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फेदर स्लीप। कोट के अंदर छाया पड़ रही है, वहां से झांक रहे हैं उनके शरीर का हिस्सा कबूतरों के, सफेद रंग के, सिल्वरी, और कौन, कबूतर का पंख भी कैसा लग रहा है, सिल्वरी, उनके फेदर्स भी सिल्वरी दिख रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। अगला राइमिंग वर्ड है पीप एंड स्लीप।
पीप स्लीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट लाइन्स. अ हार्वेस्ट माउस गोस कैंपरिंग बाय विद सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई. एक हार्वेस्ट माउस, फसल खाने वाला, अनाज में रह गोदाम में रहने वाला चूहा, तेजी से दौड़ के निकला और उसको जैसे ही उस पर चंद्रमा की बीम्स पड़ी तो उसके क्लॉज भी सिल्वर कलर के दिख रहे हैं, उसकी आंख भी सिल्वर कलर की दिख रही है. अगला जो हमारा राइमिंग वर्ड है दैट इज बाय एन आई. बाय एन आई. नेक्स्ट, एंड मूवलेस फिश इन वॉटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन सिल्वर स्ट्रीम. कम धीरे धीरे चलने वाली तैरने वाली फिश चमकते हुए पानी में, उस पानी में भी पड़ रही है चंद्रमा की रोशनी और वो शाइन कर रहा है और वहां पे जो फिश है वो भी चमक रही है, सिल्वर लग रही है. बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. सिल्वर स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का कलर भी है वो किस कलर का है? सिल्वरी है. और जो रीड्स लगे हुए हैं उस लेक के किनारे, उस झील के किनारे, उस स्ट्रीम के किनारे, वो भी सिल्वर कलर के हैं. दैट इज द नेक्स्ट राइमिंग वर्ड इज ग्लीम एंड स्ट्रीम. ग्लीम स्ट्रीम. सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. यू कैन नोट इट डाउन आइदर और जस्ट अनलाइन इट. Now, let's see the questions. Question number one. On what does the moonbeam fall to make them silvery? आपको बताना है किन किन चीजों के ऊपर मून बीम्स पड़ रही है और उनका कलर सिल्वरी हो रहा है. First question. Answer one. Moonbeams fall on. सबसे पहले trees, fruits, thatch. Trees, fruits. माउस, डव्स, वॉटर, डॉग एंड रीड्स टू मेक देम सिल्वरी. इन सब पे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है और ये सब किस कलर में नजर आ रहे हैं? सिल्वर कलर में नजर आ रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू मूवमेंट्स, वन स्लो एंड वन फास्ट, एक्सप्लेन देम. दो मूवमेंट बताया है यहां, एक तेज और एक धीमा. तो तेज मूवमेंट स्कैम्परिंग चूहा और धीमा मूवलेस. आंसर टू, वन मूवमेंट इज स्कैम्परिंग. स्कैम्परिंग का मतलब होता है रनिंग, दौड़ना, है ना. वन मूवमेंट इज स्कैम्परिंग विच इज अ फास्ट मूवमेंट. The other one is moving less which is a slow movement. Harvest mouse
campus. And fish move less. हार्वेस्ट माउस कैंपर करता है, दौड़ता है, फिश जो होती है वो धीरे धीरे तैरती है. दैट इज स्लो मूवमेंट, मूवलेस. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बर्ड्स एंड एनिमल्स डिस्क्राइब्ड हियर. यहां पे कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है. डॉग इज स्लीपिंग, डव्स आर स्लीपिंग, माउस इज कैंपरिंग एंड फिश आर मूविंग लेस. आंसर 3, डॉग सो रहा है, डव्स सो रहे हैं, डव्स आर स्लीपिंग, हार्वेस्ट माउस इज कैंपरिंग, and fish are swimming. Moving less? Yeah, swimming. Question number 4. How is the sleep of the dog suggested? आपको बताया couched in a kennel, यानी kennel में couch करके पड़ा, एकदम flat पड़ा है, lying flat. उसको इस तरह से बताया गया है कि वो इस तरह से फ्लैट पड़ा है जैसे लकड़ी है ना. द स्लीपिंग डॉग इज लाइंग फ्लैट लाइक अ लॉग. Sleeping dog is lying flat like a log. सोने वाला जो dog है, जो सो रहा है, वो इस तरह से पड़ा है जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, log. What are the rhyming words in the poem? मैंने आपके poem की ही बता दिया कि कौन कौन से rhyming words हैं. उनको आप as it is note कर सकते हैं. Next question is, what is the central idea of the poem? इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? Central idea क्या है? ये कविता डिस्क्राइब करती है उस ब्यूटी को, उस खूबसूरती को जो मूनलाइट से क्रिएट होती है धरती पर, जिसके कारण जो सारी चीजें दिखाई देती हैं वो सिल्वर कलर की हो जाती हैं. Answer 6. The central idea of this poem is that it describes the beauty moonlight creates on the earth. Making all things silvery.
इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो ये कि ये डिस्क्राइब करती है जो ब्यूटी मूनलाइट क्रिएट कर रही है धरती के ऊपर में. मूनलाइट जब पड़ रही है धरती के तरह तरह की चीज़ों के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मूनलाइट में सिल्वरी नज़र आ रही हैं, चमकीली नज़र आ रही हैं. दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. सो वी हैव कम्प्लीटेड इट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.